खरगोन जिले के विगन गांव में आवारा कुत्तों का आतंक मचा हुआ है। आए दिन कुत्तों की काटने की घटना नगर में हो रही है, मगर विगन गांव नगर परिषद द्वारा इन्हें पकड़ने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, जिससे नगर में भय का माहौल व्याप्त है। वही शुक्रवार दोपहर एक ही दिन में एक महिला एवं छोटी बच्ची और रात्रि को दो पुलिसकर्मी सहित 11 लोगों को कुत्ते ने काट लिया है। इधर नगर परिषद के उपाध्यक्ष अखिलेश भार्गव ने नगर परिषद CMO पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर में रोड पर बैठ रहे मवेशियों, कृषि उपज मंडी में जानवरों द्वारा अनाज की उपज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है एवं आवारा कुत्तों सहित नगर की साफ सफाई के संबंध में आवेदन देकर 181 पर शिकायत करने के बाद भी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। CMO किसी प्रकार की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं पान दुकान व्यवसायी दीपक वर्मा ने कहा कि मैं अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था कि अचानक पीछे से एक कुत्ते ने आकर पांव में काट लिया, जिससे मैंने जाकर तुरंत इलाज कराया। सभी घायलों का इलाज शासकीय हॉस्पिटल में किया जा रहा है। दिनांक 23 सितंबर से आज दिनांक तक करीब 28 लोगों को कुत्तों ने काट लिया, जिससे नगर की जनता आए दिन परेशान है। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर में कुत्तों का काफी आतंक हो गया है। आप कल रात को दुकान बढ़ा के जाते, आपको भी कुत्ते ने काटा है, क्या कहना चाहिए? कल रात को दुकान बढ़ाते जा रहा था, कुत्ते ने मेरे को पकड़ा, काट खाया। तो कल रात को तो मैं हॉस्पिटल नहीं गया, पर आज सुबह जाके मैंने इंजेक्शन लगवाया। और मैं नगर पालिका से यही चाहता हूँ कि ये आवारा कुत्तों को पकड़े या कहीं छोड़ के आए, और ये दवाई, ये इंजेक्शन लगवा गया, ये चिट्ठी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्या चाहते हैं नगर पंचायत साहब? बस ये कुत्तों का आतंक खत्म करे, और क्या, उनको पकड़े या कहीं छुड़वाए या मारे, और कहीं नहीं। क्या नाम लिखते? दीपक राम सिंह। नगर में आवारा कुत्तों का ज्यादा आतंक हो रहा है, जिसमें अभी कल ही पुलिस कर्मियों से 9 लोगों को काटा है। नगर परिषद के पास कोई व्यवस्था है कि नहीं कुत्तों को करने की? हम CEO के पास गए थे, 5 शिकायतें मेरी एक आया कुत्तों के बारे में, गंदगी के बारे में, ये गाड़ियाँ खराब पड़ी है। कम से कम 5 से 7 बार मैं CMO साहब के पास गया हूँ, वो उनका एक ही जवाब मिलता है कि अभी देखते हैं, करते हैं, आवेदन दो। उनका कोई ध्यान नहीं है नगर परिषद में, और हमारे भिकन गाँव की जनता काफ़ी कुत्ते आवारा पशुओं से बहुत परेशान हो गई है। गाय लोगों के होटलों पर गंदगी करती है, जिससे कई बार शिकायत है कि CMO साहब आते हैं और बोलते हैं कि भैया पाँच लोग उससे शिकायत उठवा दो, इससे उठा दो। हम बोलते साहब हम शिकायत नहीं उठा सकते, गाँव की जनता परेशान है। भोजपुर लोग आते हैं अंतिम रावत के पास, वो इनका एक ही जवाब मिलता है कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने CMO को भी इसका बोला कि साहब आप 5 बार आपके पास आ चुके हैं, ये व्यवस्था क्यों नहीं करते? और CMO साहब को नगर परिषद कोई मतलब नहीं, वो आते हैं AC में बैठ जाते हैं और आराम से 5-6 बजे तक बैठे रहते हैं और घर चले जाते हैं। लाइटिंग व्यवस्था को लेकर भी कुछ परेशान, लाइटिंग व्यवस्था को भी? हाँ, लाइटिंग लग भी जाती है, और अभी नगर परिषद में लाइट नहीं है। नगर के कई वार्डों में साफ सफाई की गंदगी, मैं शिकायत कर चुका हूँ इसकी, और मेरी अभी भी 181 में शिकायत है। नगर में अभी साफ सफाई व्यवस्था भी जो चरमराई है, उसमें कई वार्ड के लोग भी परेशान हैं। सभी वार्ड में सफाई ढंग से नहीं हो रही, नालियां साफ नहीं होती बिल्कुल, मैं इसकी शिकायत और 181 मेरी शिकायत भी है। आप नगर परिषद में आज उपाध्यक्ष के दायित्व पर हो, उसके बाद में भी आपकी सुनवाई नहीं करते? CMO को बोलो, टाल देते हैं, हाँ करते हैं, करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।